मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा चिता कैंप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में साउथ सेल जिला अध्यक्ष विजय काउंडर के नेतृत्व में 250 से ज्यादा महिलाओं को साड़ी वितरित किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साउथ सेल के जिला अध्यक्ष विजय काउंडर के अथक प्रयास से अनुशक्ति नगर विधानसभा चिता कैंप में रहने वाली महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। यह साड़ी वितरण सायन कोलीवाड़ा के बीजेपी विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन व दक्षिण मध्य मुंबई के जिलाध्यक्ष राजेश शिरवरकर, अनुशक्ति नगर विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश बबलू पांचाल के शुभस्ते सभी महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। वहीं साड़ी वितरण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई साउथ सेल के अध्यक्ष मुरुतु कृष्णा, रवि इंगंदुला, शिवराज नायडू सहित कई बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले आप सभी को भारत माता की जय, जय हिंद। यहाँ पे कोरोना काल में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, महिलाओं की जो तबीयत खराब हुई थी उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए विजय भाई ने बहुत मदद कर दी है। आज के डेट में कानूनन जो तकलीफ हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम फाइनेंशियल तकलीफ हो रही है, उसके वजह से उन्होंने गौर गरीबों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक साड़ियों वाटप का आयोजन किया है, जहाँ से यहाँ पे माता बहनें जो है उनको कुछ असरा मिले। कुछ कोशिश ये रहेगी कि भाई 100% तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन थोड़ा क्यों ना हो, थोड़ी अपने तरफ से उन्होंने अपना साउथ इंडियन सेल की तरफ से, जिलाध्यक्ष है हमारे वो, हम यहाँ पे गुजराती सेल के जिलाध्यक्ष, हम साथ में काम करते हैं हमारे जिला में, तो उन्होंने जो भी मेहनत किया है, जो भी थोड़ा क्यों ना फूल ना फुलाची पाखड़ी अपने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। लोग यहाँ पर बहुत खुश है, जोर जोर से यहाँ पे आके सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम करा के 5-5 लाख का जो इंश्योरेंस का काम है हमारे मोदी जी का वो भी किया है, इसके वजह से हम उनको भी शुभकामना देते हैं। और यहाँ पे अभी जिलाध्यक्ष हमारे राजेश शिरवरकर जी अभी पधार के गए, मंडल के अध्यक्ष बबलू जी अभी आके गए हैं, तो सब जन ने उनको आशीर्वाद दिया है, हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज यहाँ पे जो हमारा दक्षिण भारतीय के जिलाध्यक्ष श्री विजय काउंडर जी साड़ी वाटअप का जो प्रोग्राम लिया है, ऐसा प्रोग्राम बीजेपी अभी गए पिछले कई दिनों से ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को हम कुछ और बताकर और कुछ और फेस दिखाएं अपना, इसीलिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लोगों का सेवा करना चाहती है, और सेवा के माध्यम से उनको सही मार्ग दिखाना भी वो अपना कर्तव्य समझती है। जय। अब ये कार्यक्रम के माध्यम से विजय काउंडर जो ये कार्यक्रम ले रहे हैं, इसके माध्यम से एक ही मैसेज जाता है कि यहाँ पे महिला या पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, महिला भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम पुरुषों के साथ रहकर अपना कार्यक्रम ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम सभी महिला से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर जो भी आए, माता बहनों सबको, कि आप ऐसे ही साथ देते रहिए, और हमारा विजय काउंडर जो यहाँ पर आपके लिए इतना मदद कर रहा है उनको आगे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी वो मदद करेंगे और भी आपको साथ देते रहेंगे यहाँ पे। आज के जो भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडियन सेल का तरफ से, जिला का तरफ से जो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें लेडीज लोग को, माता बहन सभी को या ऐसा साड़ी बांटना, ये कौन सा भी पार्टी है ऐसा नहीं करते, खाली भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करते हैं। और जो लेडीज़ को ऊपर, जो पुरुष को ऊपर जो ध्यान रखना, जो गरीब लोगों पर तकलीफ क्या है वो सोचना, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर रहे। अभी जो इसको जो अध्यक्ष है, जो जिला का हमारा मित्र अपना विजय कुमार काउंडर, उन्होंने उनका तरफ से पूरा काम ये अच्छे तरफ से हो रहा है, और आगे और जो जगह पब्लिक के लिए और बहुत करने के लिए उनका दिमाग में है, उन लोग सोचेला है, वो काम होगा, ऐसी हमारा बोलना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज चिता कैंप से मैं जिला अध्यक्ष विजय कुमार बोल रहा हूँ। विषय ऐसा है कि आज चिता कैंप में बहुत से नगर से वो आके गए, लेकिन किसी ने चिता कैंप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक का कोई गटर हो या गली हो या रोड हो, उनको सब नए नए आते हैं, 4 साल सीखने लग जाता है और उसके बाद कोई काम नहीं होता है। तो उस माध्यम से मैं
चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस नगर सेवक रहेगा, जो जानकारी वाला रहेगा, उसको ही चुन के लाना चाहिए। सेवा का विषय जैसा है कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ लास्ट ईयर गए साल, उस दिन से दूसरे दिन से ही हम लोग ने फूड पैकेट डेली का 1500 से 1800 फूड पैकेट डेली का हम लोग बांटते थे। और राशन किट कम से कम नहीं बोल के 2500 राशन किट हम लोग ने बांटा है आज तक इस चिता कैंप में। और लगभग झाड़ लगाए 250-300 झाड़ लगा चुके हैं। और ब्लड कैंप लिया था, उसमें 56 बॉटल ब्लड भी दिए हम लोग ने सेवा के माध्यम से, जो कोविड पेशेंट के लिए ब्लड की कमी महसूस हो रही थी उस टाइम पे। और आज मैंने ये लॉकडाउन में ये विषय लिया कि मैं गरीब मेरे माँ बहनों के लिए मैं कुछ सेवा करूँ, तो मैंने उनके लिए एक साड़ी का व्यवस्था किया कि उनको एक अच्छा संदेश पहुँचे, एक रक्षाबंधन जैसा सेवा, तो मैंने करने की सोचा और सबको ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ हम लोग के साउथ सेल की तरफ से। बस धन्यवाद, और आगे भी ऐसा ही सेवा करते रहेंगे, ये हमारा बीजेपी की तरफ से वादा रहेगा। और कोई भी किसी को कुछ तकलीफ रहेगा, या गटर का समस्या हो, या रोड की समस्या हो, या मेडिकल समस्या हो, तो कोई भी आके बात कर सकते हैं। उनका काम 100% काम होगा, यहाँ तक के बेड अवेलेबल करके देना तक का हमारा काम रहेगा। धन्यवाद। नहीं नहीं, लॉकडाउन में रोजगारी नहीं है, काम नहीं है, तकलीफ में बैठा है, ऐसा जनता के लिए धुरे काउंटर ने जो आज और तुरे काउंटर के साथ यहाँ का सीताकाम का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रामस्वामी रवि बाकी लोग साथ में जो अच्छा कार्यक्रम किया है, अभी ये कार्यक्रम गरीब जनता के लिए उपयोग होगा। अभी तो तकलीफ है, कोई काम में नहीं जाता है, अभी ऐसा चीज़ लेने में भी प्रॉब्लम है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गरीब को जो है रेशन देने का विषय, फूड पैकेट देने का विषय, मेडिकल कैंप का विषय, इनके ऊपर सीता कैंप का साउथ सेल और बैरनबाड़ी का कार्यकर्ता सब जनता का बढ़िया काम करता है, ये काम और भी करना चाहिए। तो एक दूसरा वाला पार्टी इलेक्शन के लिए आता है, कुछ पता देता है, वो करेंगे ये करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, जनता को तकलीफ में साथ देने वाला पार्टी है, ये उदाहरण है। ऐसा ही सीता कैंप को जनता को जो मंडली आज काम कर रहा है, लगातार काम करो। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN News, मुंबई।